बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रियाज रशीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल रियाज रशीद डेली लाइफ। तो आज जुमे का दिन है, अभी मैं नहा धोकर छत पर आया हूं और हम मेरे साथ आ गया शरारती बच्चा। तो आज भी एक बुरी खबर है हमारे हमसायों की फौत की हो गई है। जो आपको मकसद दिखाता था छत पर खड़ा हुआ गूंगा, उसके वालिद साहब थे, वो रात के फौत हो गए हैं। आज उनका नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा 3 बजे, क्योंकि उसके दो बेटे जो बाहर हैं उनमें से एक आ गया है, एक अभी नहीं आया। तो 3 बजे का टाइम है जनाजे का। ये देखो, ये आवाम गली में बैठी हुई है। हाँ जी, क्या वो चूजा बैठा हुआ, तो उसको पता नहीं क्या बोल रहा है। ये दोनों छोटे चूजे, इनको भी छत पर लेकर आएगा आ गया हूँ मैं। एक मुर्गा हमारा, वो जो डरपोक मुर्गा वाइट कलर का, वो बीमार हो गया, उसको पता नहीं सर्दी लग गई है क्या है, वो कल का बीमार है। पापा। हाँ जी, हाँ जी, क्या है? पूरी आ जा इधर, ओ इधर आ जा, आ जा इधर। हाँ जी, हैं? पता नहीं क्या बोलता रहता है, कुछ बातों की समझ आ जाती है, कुछ की नहीं आती। हमारा मसाया शहबाज, इसके वालिद साहब की डेथ हुई आज, तो 5 बजे जनाजा बता रहा था मुझे इशारों से, 5 बजे। और देखो 5 बजे बता रहा है, पहले 3 बजे बता रहा था, लेकिन एक भाई जो है वो दुबई से वापस नहीं आया अभी। दो भाई थे दुबई में, एक वापस आ गया, अभी एक नहीं आया, तो उसकी वजह से जनाजा जो है लेट है। कल रात की डेथ हुई है तकरीबन कोई 7-8 बजे की। तो 5 बजे जनाजे के जनाजा पढ़ने, मैं कभी वैसे नहा धोकर रेडी हो गया था कि शायद जनाजा जल्दी है, लेकिन जब रेडी हुआ पता चला पहले 3 बजे का, अब पता चल रहा कि 5 बजे का। जितने बजे भी है जनाजा पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह इनके साथ, और उससे पहले फिर जाते हैं मार्केट, और मार्केट जाकर शादी हाल में देखते हैं कि इस दफ़ा काम की पोजीशन क्या है। चूज़ों को बंद कर देंगे, इन दोनों को, छोटों को और इसकी माँ को भी, क्योंकि बड़े चूज़ों को बिली नहीं पड़ती, इनको बिली पड़ जाती है। ये है अभी बिल्कुल छोटे छोटे, 20-22 दिन के हुए हैं आज। आज 18 तारीख है और ये निकले थे अंडों से पिछले महीने की 24 तारीख को मेरे ख्याल है, तो उस हिसाब से 24 दिन के हो गए आज। नीचे जाना है पापा? हाँ जी, नीचे जाना, नीचे जाना है। हाँ। तो जाओ। चल ठहर, चलते हैं, ठहर जाओ, चलते हैं, मैं लेकर जाता हूँ, ठहर जाओ, गिर जाएगा। मैं आ गया था मार्केट शादी हॉल में काम देखने के लिए, एक काम है शादी हॉल में, तो फ्लावर जो मेरे हैं वो पड़े हैं चिड़िया भाई के पास। सबसे पहले जाएंगे चिड़िया घर में, वहाँ से लेकर आएंगे अपने फ्लावर, रात में ही कहीं देंगे मार्केट में, फिर चलेंगे घर को। एक ही काम है, छोटा सा आर्टिफिशियल के आज के सामान की तैयारी हो रही है, जो शाम को रेडी होकर इस जगह पर लगा होगा। ये गुलाब है जो अभी अभी आई है वहाँ से, पत्तोकी से लगा लें या ठीक मोड़ से लगा लें, उधर से आती है। फूल मैं ले आया हूँ, वो रख दिया थैला ला कर, ये वाला थैला नहीं, वो वाला थैला वाइट कलर का। ये तो भाई है हमारा, ये गुलाब अभी भी आई है ठीक मोड़ से, ठीक मोड़ तो आई है ना मानी, ठीक मोड़ से आई है ये गुलाब। ये देखें, अभी सर्दी इतनी नहीं है लेकिन फूल बहुत प्यारे हो गए हैं। जैसे अगर सर्दी ज़्यादा पड़ेगी ये फूल मोटा भी हो जाएगा और खूबसूरत भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर आएंगे ज़्यादा बंद बंद फूल, जैसे ये है कली टाइप, जैसे ये है, फिर सभी फूल ऐसे आएंगे, खिले हुए फूल नहीं आएंगे, जैसे ये खिले हुए हैं। नहीं अगर सर्दी पेगी तो फूल मोटा ही होना है। अब चलते हैं घर को, घर जाकर चलते हैं जनाजे के साथ, फिर आएंगे अपना काम करने के लिए। जनाजा लेकर चले गए हैं जी, दुकान पर हम आ गए हैं, तो
ये बना रहे हैं मेहंदी की चादर पीले हारों की। हम लेंगे इनसे थोड़े से पत्ते और अपने जो फूल हैं वो वाले आर्टिफिशियल फूल हैं जो। और ये हम ले रहे हैं फ्लैक्स पाम के थोड़े से पत्ते ऊपर और नीचे लगाने के लिए। हैं आओ चल जाएगा चल जाएगा। हाल में जी हम पहुंच चुके हैं, जल्दी से काम शुरू करते हैं। 5 बज चुके हैं। अच्छा जी 5 बज चुके हैं और क्योंकि जाना पड़ना था तो इसी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। 5 बज चुके हैं हमें आते आते ही। कुछ मिनटों बाद मगरब की अज़ान शुरू हो जाएगा। जल्दी से काम शुरू करते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं। आर्टिफिशियल काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गुलाब के हार नहीं भुले गए भगवान, गुलाब के हार लाने थे 24 हार वो दुकान पर रह गए। चलो कोई बात नहीं, वो फिर से ले आते हैं। फिलहाल अपना जल्दी से काम करते हैं शुरू और ख़त्म करते हैं। सामान लेकर मैं वापस आ गया हूँ। सामान ये देखें, गुलाब के हार हैं और ट्यूबरोज 30 स्टैंड ट्यूबरोज की हैं और 24 हैं गुलाब के हार। ये हम लाना वहाँ से भूल गए थे। दोनों में गुलाब के हार हैं, ये ट्यूब रोज है। फिलहाल भाई ने काफ़ी सारा काम जो मेरे आने तक कर लिया है। नहीं जी टाइम हो रहा है 5:35 और ये काम हमारा ख़त्म। ये आप देखें कितनी जल्दी ख़त्म होता है। 35 मिनट हुए हैं अभी तो, 35 मिनट में मैं बाहर भी गया था गुलाब के हार लेने और ट्यूब रोज लेने। अब ये सामान रखेंगे इधर ही, वो जहाँ पर हमने पहले अपने स्टैंड रखे हुए हैं वहाँ पर रख देंगे ताकि हमें ना घर ले जाना पड़े और ना घर से लेकर आना पड़े। यहीं पर पड़ा होगा, 10 बजे आएंगे, यहीं से पकड़ेंगे सामान, वापसी करेंगे, अपने फूल जो है थैले में डालेंगे और फिर एक ही दफ़ा जो है घर लेकर जाएंगे। कोट पालो साहब भाई अपना है, दूसरा बोरा अभी ला चल, ला चलने का। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये 10 बजे भी लेकर जाना पड़ेगा तो इसको अभी लेकर जाएंगे इस थैले को। और स्टेज माशाल्लाह अच्छा बन गया। ले जी घर आ गया हूँ, घर आकर अभी बैठा हूँ। तो सबसे पहले खाएंगे नाश्ता कह रहा हूँ, खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद जब 10 बजेंगे फिर जाएंगे शादी हाल में, वहाँ से वापसी करेंगे, बिल लेंगे और फिर से वापस घर को। टाइम हो रहा अभी 6:05 हो गए हैं और 10 से 15 मिनट हमें भी हो गए घर में आए हुए, क्योंकि हाल से हम गए थे मानी भाई के पास को 5-7 मिनट वहाँ रुके, उसके बाद घर आए हैं। तो अभी खाते हैं खाना वगैरह। टाइम हो चुका है 10:15, वापसी करने हम पहुँच चुके हैं। फिलहाल भाई बोतल पी रहे हैं, मैंने पहले पी ली है, काफ़ी सारी वापसी हमने कर ली है ये देखें, और काफ़ी सारी रह गई है। और ये देखें, ये किसी पान खाने वाले भाई का काम चेक करें, पान खा कर उधर ही एक साइड पर सारा पान जो है वो गंद डली गया साइड पर। हमारा पर्दा बच गया, शुक्र है हमारा पर्दा बच गया, हमने पिछले दिनों भी दिलवाया हाल से ही। हम बैठे हैं जी हाल के बाहर, क्योंकि अभी अंदर बिल जो हो रहा है, तो जैसे अंदर बिल हो जाएगा तो हमें बिल मिल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, क्या हाल है, ठीक हो, करमला बाबू खैर में, सब ठीक ठाक करमला। हाँ तो अंदर जैसे बिल हो जाएगा हमें भी मिल जाएगा। वैसे हम बैठते नहीं हैं, कभी हो जाता है ऐसा एक आध बार, जैसे आज हो गया। ले जी मनी भाई की दुकान पे पहुंच चुके हैं, सामान को जो दे रहा था वो दे दिया इनको वापस, ट्यूब रोज और फ्लैक्स पाम के पत्ते। और इधर भाई साहब लगा रहे हैं गुलाब के फूलों को बर्फ, पहले फूल रखे जाते हैं फिर बर्फ रखी जाती है अखबार, फिर उसके ऊपर बर्फ, फिर उसके ऊपर फूल, फिर उसके ऊपर अखबार और फिर से बर्फ। हम जा रहे हैं घर को और भाई साहब भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। मेट्रो देखी जाएगी, लोग आ चुके हैं, भाई भी आ चुका है, आकाश भाई ने दरवाज़ा भी खोल दिया। तो
अभी पहुंच चुके हैं। तो ये थी हमारी आज छोटी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ रे आशी को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।